नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का मंदास किचन में स्वागत है। आज मैं कुछ सिंपल सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। अभी मटर का सीजन चालू हो गया है तो मटर की रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिसे खाने के बाद आप इसे बार बार बनाने का मन करेगा। उसके लिए मैंने मटर लिए हैं 500 ग्राम, घी लिया है 2 चम्मच, प्याज 2, टमाटर 2, हरी मिर्च 2, क्रीम लिया है फ्रेश क्रीम, काजू का पाउडर बना लिया है मैंने, रेड चिल्ली पाउडर लिया है 1.5 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, किचन किंग मसाला 1 चम्मच, एवरेस्ट का किचन किंग मसाला लिया है मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हरा धनिया लिया है, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, कस्तूरी मेथी ली है और धनिया का पाउडर लिया है, साल्ट लिया है टेस्ट के अनुसार। तो पहले सबसे पहले मैं अभी प्याज टमाटर और हरी मिर्च की मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ। पेस्ट मैंने बना ली है, कढ़ाई को गर्म कर लिया है मैंने और इसमें मैं अभी घी लेने वाली हूँ। 2 चम्मच मैंने घी लिया है, आप चाहे तो इसमें ऑयल भी ले सकते हैं। और प्याज टमाटर आप क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3-4 लोगों के लिए बनाई है सब्ज़ी, इसलिए मैंने 2 टमाटर और 2 प्याज लिए हैं। घी गर्म होने के बाद मैंने उसमें टमाटर प्याज की पेस्ट डाल ली है। इसे कंटिन्यू हमें इसे हिलाते रहना है और जब तक इसमें से ऑयल बाहर नहीं आ जाता तब तक इसे हमें हिलाते रहना है। इसमें मैंने अभी अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, धनिया पाउडर लिया है मैंने, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से भून लेना है और इसे हिलाते रहना है। इसमें मैंने अभी काजू का पाउडर डाला है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अभी पानी अगर थोड़ा सा गुनगुना रहता है तो सब्ज़ी में बहुत अच्छे से स्वाद आता है, इसलिए थोड़ा गुनगुना पानी मैंने इसमें लिया है। इसे हमने 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उबाल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें अभी फ्रेश क्रीम डाल लिया है।
उसमें मैंने अभी किचन किंग मसाला लिया है, कस्तूरी मेथी ली है, और मटर मैंने इसमें भी डाल लिए हैं। नमक मैंने स्वाद के अनुसार डाला है। मिक्स करके हम इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है। दस मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे मटर भी अच्छे से अभी पक चुके हैं और सब्ज़ी में ऑयल भी कितने अच्छे से ऊपर आ चुका है। आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। थोड़ी कस्तूरी मेथी मैंने थोड़ी सी ऊपर से और डाल ली है। हरा धनिया लिया है और अभी ये मसाला मटर जो है हमारे बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।